जब तक हुजूर की अजमत को नहीं मानेंगे, जब तक हुजूर की अजमत को नहीं जानेंगे, अरे जब तक मेरे मुस्तफा का जिक्र नहीं करेंगे, खुदा की कसम हम मुसलमान नहीं हो सकते। अरे मुस्तफा के जिक्र को छोड़ा जाता है, मुस्तफा के जिक्र को छोड़कर रब की बारगाह में जाया जाता है। अरे मुस्तफा को छोड़कर तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, हाँ मिलेगा तो तुम्हारा दोस्त शैतान मिल जाएगा। वो शैतान एक ऐसा है कि जहां मुस्तफा का जिक्र नहीं किया जाता, न शैतान करता है, न शैतान की मजलिस में किया जाता है, तो वो मजलिस को मिल जाएगी अल्लाह वालों की मजलिस। तुम ऐसी हो और जो अंकित हो कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजी और तौखीर करो। और वह फरमाते हैं यहाँ पर तवक्किल के माना ताजीम और तौखीर, और तौजीम के माना भी ताजीम और तौखीर के। तो कुरान के अंदर ये दोनों कलिमे क्यों लेकर आए गए? अगर ये बयान कर दिया जाता है तौजीम के हुजूर की ताजीम करो तो माना पूरा हो गया, अब तो वक्की रूपया के लाया गया। समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये काम करना। अपने एक ही बात हमने कह दी कि ये काम, बात मुकम्मल हो गई, ठीक है ना। अब कोई ज्यादा जरूरी काम नहीं होता ना, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, कोई लाजमी काम नहीं होता, हम तो यार ये काम कर लेना। लेकिन जिस काम से ज्यादा अहमियत होती है, जरूरी होता है, तो हम क्या कहते हैं ये काम ये जरूरी कर लेना, ये काम कर लेना। तो मतलब हम उसके क्यों कहते हैं वहां पर हम लाजमी तौर पर ये काम कर लेना ये बताना चाहते हैं, भाई ये बहुत जरूरी काम है इसको करना। तो यहाँ पर उलमा फरमाते हैं रब ने ये फरमाया हुजूर की ताजीम और तौखीर करो, दोनों कलिमे क्यों लाए जाएगी माना के। देखिए हम ताजीम और तौखीर अगर अपने वालिदैन का भी करते हैं हम